देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सराय रंजन प्रखंड भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सराय रंजन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर चौधरी ने बखरी बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया व वर्तमान मुखिया पति शशिनाथ झा दुबे को मुशरी घरारी थाना अंतर्गत बखरी में दिन दहाड़े जिस तरह बेखौफ अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करना, यह समस्तीपुर प्रशासन व बिहार के सुशासन बाबू को चुनौती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में अप्रत्याशित अपराधीकरण एवं पुलिस प्रशासन के नाक के सामने हत्या, यह अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। इस घटना में शामिल अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और मुशरी घरारी थाना अध्यक्ष सहित पुलिस कप्तान को बर्खास्त करें। वैसे भी महाजंगल की मुखिया नीतीश कुमार को चाहिए गृह विभाग किसी हिजड़े को सौंप कर राजनीति संन्यास पर चले जाएं। देखें सराय रंजन से जितेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। आज समस्तीपुर जिला के मुशरी घरारी थाना अंतर्गत बखरी बुजुर्ग में बखरी बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान में मुखिया पति शशिनाथ झा जी को दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह मुशरी घरारी थाना और समस्तीपुर कप्तान का एक बहुत बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार जी, आपके सुशासन की सरकार तो रही नहीं, आपसे बिहार संभलता नहीं है। आपको चाहिए बिहार के गृह विभाग किसी हिजड़े को दे देना, क्योंकि सरायरंजन में रोज बढ़ती अपराध। पिछले दिनों कटिहार में मेयर की हत्या, पूर्व विधायक की गोली मार के हत्या और लगातार अप्रत्याशित वृद्धि अपराधीकरण में यह दर्शाता है बिहार आपके बस में नहीं है। अब आप बिना समय गमाए अपने गृह विभाग किसी हिजड़े को दे दीजिए। केवल पुलिस कप्तान बदलने से अपराध में कमी नहीं आती है, न ही थाना अध्यक्ष को बदलने से। आपको जना दें, मुशरी घरारी थाना के चंद दूरी पर में पूर्व मुखिया शशिनाथ झा जी को हत्या करना मुशरी घरारी थाना का बहुत बड़ी चुनौती है। और मुशरी घरारी से केवल 8 से 9 किलोमीटर समस्तीपुर मुख्यालय, जहां पर जिलाधिकारी पुलिस कप्तान आदि का आवास है और कार्यालय है, इतने चंद दूरी पर में लगातार हो रही अप्रत्याशित वृद्धि यह दर्शाता है जो बिहार आपके बस में नहीं है। क्या कहें, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। अपने ही लोगों को बिछड़ दे देख बड़ी मर्माहत हूं। पिछले महीना आपके ही जिलाध्यक्ष अश्वमेव देवी के भाई को दिन दहाड़े हत्या कर देना और पुलिस द्वारा खानापूर्ति करना, सही अपराधी को नहीं पकड़ना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी से ये कहना चाहेंगे, जो आप लगातार सरारंजन से जीत रहे हैं और सरारंजन के वोटर को भी आपने खो रहे हैं, क्या लगता है आप जैसे शक्तिशाली विधायक जिसकी तूती चलती है, आप नीतीश कुमार के बग में बैठते हैं फिर भी आपकी नहीं चलती है। आपको भी चाहिए जो राजनीतिक संन्यास ले लें और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे जो आप अपने गृह विभाग की हिजड़ों को देख करके राजनीतिक संन्यास ले लीजिए। आपसे बिहार नहीं सम...